प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आपको ज्ञात है, रावण इस ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति था। उसने स्वर्ग तक जाने के लिए, पैदल चलकर स्वर्ग तक जाने के लिए सोने की सीढ़ियों का निर्माण कर लिया था। अब बताइए, इतना धनी कोई और व्यक्ति हो सकता है? शायद नहीं। रावण से ज्यादा धनी व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। मां महालक्ष्मी की अटूट कृपा थी रावण के ऊपर। उसने सोने का महल, क्या सोने की पूरी लंका बना रखी थी। इतना धनी व्यक्ति तो आज भी, जितने हमारे संसार में जितने भी धनी व्यक्ति हैं, उनकी समस्त दौलत को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वो रावण की लंका जितनी एक लंका सोने की नहीं बना सकते। स्वर्ग की सीढ़ियों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो किस प्रकार से रावण ने इतना अटूट दौलत, इतनी धन संपत्ति मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करके प्राप्त की? तो दीपावली के इस पवित्र और पावन पर्व पर, जहां हमारे मन में दीपावली के नाम से ही फुलझड़ियां छूटने लगती हैं, बच्चों का मन पटाखे और फुलझड़ियों के नाम पर, मिठाइयों के नाम पर, उनके चेहरे एकदम चमकने लगते हैं, नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए पकवान खाने को मिलेंगे, ढेर सारी मस्ती होगी और नए नए पटाखे चलाने को मिलेंगे। और हम जैसे जो वयस्क लोग हैं, वो सोचते हैं कि किस प्रकार से मां लक्ष्मी के प्रसन्न करके और अधिक धन के भंडार इकट्ठे किए जा सकें। चाहे वो धन के भंडारों का रास्ता इस विशेष दीपावली के पर्व पर जुआ, सट्टा, रेस कोर्स, कैसीनो, लॉटरी, शेयर मार्केट जैसी चीजों से गुजरता हो। आज हर एक कोई चाहता है कि मेरे धन के भंडार इस कदर भर जाएं कि मेरी आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए वो धन काफी हो, उनके खर्च करने पर भी वो धन कभी खत्म ना हो। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार से आप भी दीपावली के पावन पर्व पर रावण के बताए हुए इस उपाय का पालन करके अपने धन धान्य के भंडारों को भर सकते हैं, तो मैं यहां आज चर्चा करने वाला हूं कि रावण ने जो बताया था कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, कि किस प्रकार से कन्या राशि वाले व्यक्ति अटूट धन संपत्ति और लक्ष्मी के मालिक बन सकते हैं, लक्ष्मी मैया की कृपा किस प्रकार से उन पर बरस सकती है, जिस प्रकार से रावण के ऊपर स्वयं बरसी थी। तो यहां मैं जब कन्या राशि की बात कर रहा हूं, तो मेरा कन्या राशि वालों से बात करने का मतलब यह है कि कन्या राशि वाले व्यक्ति, वो व्यक्ति जिनकी उनकी जन्म कुंडली के अनुसार एक्चुअल राशि है वो कन्या राशि है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मगर जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है ही नहीं, उनके पास जन्म कुंडली की कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो उनका जो समाज में प्रचलित नाम है, जो उनके नाम का प्रथम अक्षर है, वो स्क्रीन पर आ रहे इन अक्षरों से शुरू होता है, तो आपकी राशि निश्चित रूप से कन्या राशि हुई। और ऐसे कन्या राशि वाले व्यक्तियों के जो देवता हैं, एस्ट्रोलॉजिकल फादर हैं, जो सबसे प्रथम वंदनीय हैं उनके लिए, वो उनके राशि के मालिक हैं, जो हैं बुध देवता। तो ऐसे बुध देवता के साथ अब आपने लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करनी है दिवाली के पवित्र पावन शुभ मुहूर्त पर। तो रावण ने जैसा बताया था कि अगर आप मां महालक्ष्मी के पूजन से पहले गवाह के रूप में
बुद्ध देवता को साथ बिठाकर पहले गणेश जी के पूजन के पश्चात संकल्प इत्यादि के पश्चात बुद्ध देवता का पूजन करेंगे, उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की 108 की संख्या में साधना करेंगे। मन में साधना है, यहां पर साधिए बुद्ध देवता को, तस्वीर के बुद्ध देवता की तस्वीर के सामने उनका पूजन करने के पश्चात, पूजा अर्चन करने के पश्चात उनकी 108 मंत्रों से आपने साधना करनी है। बुद्ध देवता का जो तांत्रिक बीज मंत्र है, जो ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें 3 बीज होते हैं, वो इस प्रकार से है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। तो आप इस मंत्र से आप बुद्ध देवता की 108 की संख्या में साधना करें, ध्यान बुद्ध देवता में, उनकी फोटो में, फोटो से निकलकर बुद्ध देवता यहां पर प्रवेश करेंगे। आप पूजा करते रहिए, साधना करते रहिए, उंगलियों पर गिनती गिनने से ध्यान भंग होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी माला आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुद्ध देवता के लिए, इसमें 108 मन के हों। माला का महत्व यही है कि आप उसे करते समय आप केवल एक दाना आगे बढ़ाते रहेंगे, जब माला खत्म हो जाएगी तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपने 108 मंत्र पूरे कर लिए हैं। तो बुद्ध देवता की 108 मंत्र करने के पश्चात आप माँ महालक्ष्मी का बुद्ध देवता से प्रार्थना करें, हे बुद्ध देवता, आप और दीपक गवाह है कि आज आपके समक्ष बैठकर, आप मेरे एस्ट्रोलॉजिकल फादर हैं, मैं माँ महालक्ष्मी का पूजन कर रहा हूं। आप भी मेरी तरफ से माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके इस पुत्र के पास माँ लक्ष्मी का अटूट वास जीवन भर बना रहे, हमें कभी धन की कमी ना हो, हमें कभी धन के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इस इच्छा के साथ आप माँ लक्ष्मी का 5 मालाओं से, उनके मंत्र से पूजा, षोडशोपचार पूजन के पश्चात उनका पूजा प्रारंभ करें। माँ महालक्ष्मी के पूजन में षोडशोपचार पूजा अर्चना करने के पश्चात अगर आप उनकी माला, जो मंत्र माला है, वो या तो हम मान के चलते हैं कि हम कमल गट्टे की 108 दानों की माला से उनका पूजन करें, साधना करें, या फिर हम जो हल्दी की माला है उससे करें, या फिर कर्क कौड़ी की 108 दानों वाली माला से उनका पूजन करें। तो उनका जो मंत्र है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो मोतियों की, जो सुच्चे मोतियों की माला है उस उनकी 108 मंत्रों उससे, 108 मंत्रों वाली माला से भी उनका साधना कर सकते हैं। तो 108 मंत्रों की जो माला है वो 5 बार करनी है, यानी आपने 5 माला उनके 1600 उपचार पूजन के पश्चात करनी है। जल का पात्र वहां अवश्य होना चाहिए, आचमन इत्यादि के लिए जो जल का पात्र होता है, और उसके पश्चात जो मंत्र है, जिस मंत्र का आपने प्रयोग करना माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माँ महालक्ष्मी नमः। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र की 5 माला करने से माँ महालक्ष्मी निश्चित रूप से प्रसन्न होकर आपके धन धान्य के भंडारों को अटूट रूप से भरती रहेंगी। लेकिन उसके पश्चात एक कार्य, जब पूजा समाप्त हो जाए तो लास्ट में एक कार्य अवश्य करिएगा, वहां पर जो जल का पात्र रखा हुआ है, जो आचमन इत्यादि के लिए जो जल का पात्र आप रखते हैं, उस जल का छिड़काव, शेष बचे उस जल का छिड़काव पूरे घर में करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे संपर्क करके, या फिर हमारी शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में सुबह 10:30 से लेकर 6 बजे के मध्य आप
फोन करके मिलने का टाइम फिक्स कर सकते हैं और आकर मुझसे मिल सकते हैं, मेरी मदद ले सकते हैं अपने जीवन में आ रही किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए। जय शनिदेव। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम मनोज है और मैं इंद्रपुरी में रहता हूँ। और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तो मेरे अंदर सुधार नजर आ रहा है। मुझे आपसे जुड़े जुड़े मेरे को 15-20 दिन हो गए। आपसे मैंने स्टोन अंगूठियाँ बनवाई है, तब से मेरा माइंड थोड़ा ग्रोथ करने लगा है और अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं। जितनी भी बुरी आदतें थी वो धीरे धीरे डाउन हो गई हैं और मुझे पहले से बेटर लग रहा है। और मैं आपके पास एक और रिंग के लिए आज स्पेशल आया हूँ। लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इधर उधर ना भटको, आप अच्छी जगह पर आओ। जैसे मैं आया हूँ वैसे भी आप भी आओ। मुझे यहाँ आकर संतुष्टि मिली। मैं बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गया लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला और यहाँ मुझे 10 दिन में फ़ायदा नज़र आ गया।